अन्य योजना वगैरह किसी का फायदा नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला। किसको वोट देंगे अब की बार आपको? बीजेपी। कितने वोटों के अंतर से या कितने वोटों की लीड से जीतेंगे शिवराज सिंह, आपको क्या लग रहा है? 3.5 से 4 लाख। भाई बहुत अच्छे इंसान, दिल के भी हैं, नेक इंसान है, और सबसे हमने कन्याओं को बढ़ावा दिया है, बेटियों को आगे ले गए। अब प्रचार नहीं कर रहे हम, वोट बीजेपी को देंगे। मोदी जी आ रहे 400 पार। तो आपको लग रहा है कितने रिकॉर्ड मतों से अंतर से 10 लाख वोटों के ऊपर से जीते? अब उन लोगों की आदत ही पड़ गई खटिया तोड़ने की, तो अब शिवराज जी की गलती कौन है? आज हमें मंडीदीप लोकसभा क्षेत्र में, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, हम आज इस लोकसभा क्षेत्र की जनता से जानेंगे उनके बारे में, पब्लिक की राय क्या सोचती है जनता उनके बारे में, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनके विचार जानेंगे, कितनी कड़ी टक्कर देंगे वो अपने निकटतम प्रत्याशी को या कितनी लीड से वो जीतेंगे, इस बारे में हम जनता से उनकी राय लेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। आप यही मंडीदीप के रहने वाले? नहीं, कहाँ से? रेटी से। अच्छा, रेहटी नसरुल्लागंज। तो रेहटी नसरुल्लागंज में आपको लगता है चुनाव का क्या माहौल चल रहा है, कुछ लग रहा है आपको इस पर माहौल में कुछ? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, आपको लाडली बहना योजना के पैसे मिलते हैं किसी को आपके परिवार में? किसी को भी नहीं मिलते हैं? कोई या सरकारी योजना, ये जो सरकार मकान आवास योजना चला रही है, अन्य योजना नहीं मिला हमें तो अभी? ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। नहीं तो जो शादीशुदा लड़कियों को मिल रहा है ना, ये तो लाडली बहना योजना? हाँ, तो किसी को नहीं मिले ना हमारे परिवार। अन्य योजना वगैरह किसी का फायदा नहीं मिला? किसी का भी नहीं मिला। आपको क्या लगता है दादा, आपके यहाँ परिवार में किसको इस योजनाओं का फायदा मिल रहा है? भाइयों को मिल रहा है, भाइयों लेडीजों को मिल रहा है? कितनी लेडीजों को मिल रहा है आपके घर पे इनका फायदा? 3 लेडीजों को मिल रहा है। और उसके अलावा कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिला और काय का है? आवास योजना जो निकाली, कुटी योजना, और उसके बाद आपका ये आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड तो है, आपका आयुष्मान कार्ड बना है? आप यही मंडीदीप के कहीं बाहर से? नहीं, पत्रा के मगर पत्रा के पास के रहने वाले। किसको वोट देंगे अब की बार आपको? बीजेपी। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी को क्या देंगे? क्यों लगता है आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि बीजेपी को वोट देना? क्या काम ऐसा अच्छा करा उन्होंने जो आपको लगता है? उनकी लहर चले जाएगा, लहर जाएगा। लहर चलती है तो लहर में कुछ काम तो होंगे जो पब्लिक को, जनता को याद है। मोदी जी का ऐसे कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है जो आपको लगा कि उन्हें ये काम बहुत जनता के अच्छे भले? सब काम तो अच्छे करे। एक कोई एक आध बता दी चलिए, देना पैसे मिल रहे हैं, मजदूरी कार्ड मिले? मजदूरी कार्ड से आपका कार्ड बना है? मजदूरी कार्ड वो है ना, गेहूँ वाला कार्ड जो बना हुआ? हाँ, गेहूँ वाला, गेहूँ वाला जो अन्य योजना वाला कार्ड? हाँ हाँ, वो तो है। आपको मिलता है अनाज उसमें? हाँ, मिलता है मेरे को, बच्चों ही मिलता, मेरे मेरा है। आप परिवार के मुखिया होने के नाते आप ही को मिलता होगा ना? मेरा है। और इसके अलावा और कैसी योजना से फायदा मिल रहा? कोई योजना नहीं। आयुष्मान योजना का कार्ड तो बना होगा? बना है, आप बात कोई बने को मुकाब नहीं करो। उसका कार्ड का फायदा जब होगा, आप बीमार होगे, भगवान ना करे आप बीमार हो, जरूरत थोड़ी उसके पास। एक भरोसा है अपने पास कि कल को अचानक कभी जरूरत पड़ती है जीवन में तो आपको एक फायदा उम्मीद है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और भी लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, आइए बने रहिए, चलो उनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज सचिन जैन। सचिन, आ गए मंडीदीप के रहने वाले? जी। बाहर से? नहीं, मंडीदीप से प्रॉपर। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? बीजेपी का। ऐसा क्यों? वो तो देखिए ना, कांग्रेस तो कोई प्रचार ही नहीं। प्रचार की वजह से कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से? वो दोनों है। कितने वोटों के अंतर से या कितने वोटों की लीड से जीतेंगे शिवराज सिंह, आपको क्या लग रहा है? 3.5 से 4 लाख। रिकॉर्ड तोड़ेंगे क्या? रिकॉर्ड तो टूटेगा। 3.5 से 4 लाख तो बहुत पुराना रिकॉर्ड, तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 4 लाख वोटों से दिग्विजय सिंह को हराया। 4-7 लाख हो जाए। ऐसा क्यों लगता है? तो मामा, क्या काम ऐसे करे उन्होंने शिवराज सिंह? आपको काम तो करे, वो तो दिखते हैं काम लोगों को। एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपको लग रहा है कि उन्होंने अच्छे काम करे हैं जिसके कारण आपको वोट देना? बताइए। बहुत अच्छे काम करे। क्या काम बताइए? भोपाल को चमन कर दिया उन्होंने। सिर्फ भोपाल को कि मध्य प्रदेश? पूरे मध्य प्रदेश को 50 साल आगे ले गए। चल तो बहुत आगे चले गए। हाँ सही है। इसी कारण आपको लगता है शिवराज सिंह जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। क्यों लगता है ऐसा आपको? नहीं, बहुत अच्छे इंसान, दिल के भी हैं, नेक इंसान है, और कोई एकाद उनकी खूबी में नेकी की कोई ऐसी बात जो हमको पता चल? सबसे हमने कन्याओं को बढ़ावा दिया है, बेटियों को आगे ले गए, यही क्या हो? भगवान भी महिलाओं को आगे रखते हैं, उन्हें भी आगे रखते। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, 50 से 100 साल आगे लगा। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे ना, उनकी योजना चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर से चलाएंगे वो, जीत जाएंगे वो, तो सांसद बनेंगे फिर, कुछ तो करेंगे। पहले भी वो सांसद रह चुके हैं विदिशा लोकसभा सीट से, विधायक भी रह चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनकी छवि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज्यादा भारी? वो फूल में भी कांटे होते हैं, किसी के फूल अच्छा थोड़े बहुत तो कांटे किसी को लगी जाते हैं। हमारे फूल में कहाँ कांटे? नहीं तो उन्हें गुलाब समझ लेते हैं। आप बताइए मुझे, आप बताइए शिवराज सिंह की ऐसी कौन सी योजना है जिसको आपको लगता है कि वो जनता में इसलिए लोकप्रिय ज्यादा है? लाडली बहना चल रही है, बाकी इसके बाद उन्होंने जो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा चलाई थी,
इसके लिए भी उनके साथ आदमी जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई योजना मुख्यमंत्री के रहते उनके या प्रधानमंत्री की ऐसी कोई योजना जिससे आपको प्रत्यक्ष फायदा हुआ? नहीं, हमें कुछ नहीं है। किसी भी योजना, हम तो अल्पसंख्यक में आते हैं, हमें कोई फायदा नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए तो बहुत सारी योजना है। हम समाज के जेल है, हमारे गवर्नमेंट की नजर में हम धनवान है। हम जैसे ही नहीं देखिए, लाडली बहना योजना किसी वर्ग विशेष के लिए भी नहीं है। हम टैक्स फ्री भी नहीं है, हमें टोटल सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देना है, लेना कुछ नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि सरकार आपके लिए अच्छा कर रही है? ठीक है ना, तो ऐसा क्यों लगता है? ये हिंदुत्व है, एक हिंदुत्व की लहर है, ये समझ सकते हैं। इसलिए आपके को लग रहा है कि वो शिवराज सिंह जीतेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के नाते या पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत से काम किए। जरूरी नहीं कि हम योजनाओं पे ही बातचीत करें, आम जनता से लेकर आम मानस के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम उस आधार पे उनको वोट दे सकते हैं, ना कि हम उनके इस कामों को छोड़ के? नहीं, हम तो खैर पार्टी से बीजेपी से ही है शुरू से। आप बीजेपी से ही है इसलिए? फिर भी आपको याद नहीं है कि मुख्यमंत्री को रहते हुए उनकी कोई योजना ऐसी? नहीं, हमने योजना का लाभ लिया हो तो योजना का बताएंगे आपको। लेकिन प्रचार तो आप बीजेपी का, आपको योजना है तो पता होना चाहिए। हम प्रचार नहीं कर रहे, हम वोट बीजेपी को देंगे। पर आप कार्यकर्ता नहीं है? मतलब नहीं, कार्यकर्ता नहीं। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए और बातचीत करते हैं लोगों से। हाँ भैया, बताइए। हम तो खबरदार न्यूज भोपाल से हैं। हम लोकसभा चुनाव के लिए पब्लिक ओपिनियन सर्वे कर रहे हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं। जी सर, मोदी जी आ रहे 400 पार। क्यों लगता है आपको मोदी जी आ रहे? जनता तो आपके यहाँ मंडीदीप में तो बहुत सी जनता उनके खिलाफ। मोदी जी के खिलाफ? मैं नहीं मानता कि कोई खिलाफ हो। व्यापारी हुआ, कपड़ा व्यापारी, बर्तन व्यापारी या व्यापारी से किसान या मजदूर, आज तक किसी ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला कि मोदी जी के खिलाफ कोई है। क्यों ऐसा लगता है आपको? मोदी जी में ऐसी क्या खूबी, क्या योजना या कोई ऐसा काम मुझे आप बताइए मोदी जी का, जो आपको लगता है कि अभी तक के 10 साल के काम में उन्होंने सबसे अच्छा काम किया? कोई थीम आते आप मुझे ऐसी बताइए। सबसे अच्छा काम, सबसे पहले 370 धारा हटाई उन्होंने, राम मंदिर भूमि पूजन किया उन्हीं के कार्यकाल में हुआ, आगे सभी लोगों को हिंदू राष्ट्र घोषणा की उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन इन चीजों से आम जनता का भला नहीं हुआ ना? आम जनता के लिए रोजगार महीने, महंगाई बहुत बड़े मुद्दा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों पे अभी दूर है, बहुत इन चीजों पे काम नहीं कर रही है? नहीं है, मेरे हिसाब से 2 रुपए किलो अनाज मिल रहा, दाल चावल मिल रहा है, धान की फसल का अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छे रेटों में खरीदारी हो रही है। मैं सोसाइटियों में मेरा सर्वे करा, मैंने पंचायतों में मैंने सर्वे करा है, नगर पालिका में सर्वे करा, नगर निगम में मेरा सर्वे करा मैंने, तो हर जगह से मेरे को एक ही रिपोर्ट मिली भारतीय जनता। 2700 रुपए गेहूं का वादा करा था शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पूर्व। अभी हम जस्ट पीछे एक किसान से मिले तो उन्होंने बोला कि 2400 रुपए में। नहीं, 2700 रुपए का उन्होंने वादा करा था, 2700 रुपए मूल्य की खरीदारी भी हो रही है, लेकिन किसान की कहीं ना कहीं कोई गलती ऐसी है कि इससे मिट्टी डले है गेहूँ वो भी लेके आ रहा है, तो कैसे आदमी पतला गाऊ और मिट्टी डले गाऊ, कैसे आदमी 2700 में खरीदेगा? आप बताइए, कौन अपना घाटा करेगा? क्वालिटी देख के उसको रेडी, उसके हिसाब से 2700 में भी खरीदा जा रहा है। तो आपको लगता है शिवराज सिंह जब यहाँ से आपके लिए पूर्व मुख्यमंत्री आपके यहाँ से खड़े हुए तो आपको लग रहा है कितने रिकॉर्ड मतों से वो अंतर से जीते? 10 लाख वोटों से ऊपर से जीते। कितने वोटर हैं यहाँ पे? 10 लाख वोटर, 10 से रुपए की मतलब हमारे यहाँ। अच्छा। ये समझिए पूरी विधानसभा से अच्छे वोटों से जीतेंगे। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रह चुके हैं वो, और उस टाइम से बाद 18 साल 15 साल से ज्यादा अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कहीं ये छवि उनकी ज्यादा भारी पड़ रही है आपके काम के हिसाब से? काम के हिसाब से छवि ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के रेगुलर कम से कम 15 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कार्यशैली अच्छी रही है, लोगों से मिलनसारी अच्छी रही है, और सबसे बड़ी उनकी एक योजना लाडली बहना योजना उनके लिए बहुत अच्छी लाभदायक साबित होगी। लाडली बहना योजना का फायदा तो सिर्फ महिलाओं तक सीमित रहा है? एक पुरुष वर्ग जो मजदूर वर्ग है जो रोजगार के लिए भटक रहा है, एक नव युवक जो शिक्षित होने के बाद रोजगार के लिए भटक रहा है, उसका कहना है सरकार इस तरफ कभी ध्यान नहीं दी, आपको क्या लगता है? शिवराज जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और बहुत अच्छे नेता है, शिवराज जी जीतेंगे। वो मैं दोनों आपकी बात से सहमत हूँ, शिवराज सिंह जीतेंगे, मैं ये भी मानता हूँ आपकी बात, लेकिन क्यों जीतेंगे? आम पब्लिक तो अभी भी दुखी है उनके बाद। पब्लिक दुखी है तो उसमें क्या कर सकते हैं? अब शिवराज जी को हाथों से कोर तो खिलाएंगे नहीं, उन्हें 2 रुपए किलो गेहूं खिला रहे हैं, मकान बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया, 2-2.5 लाख रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। अब उन लोगों की आदत ही पड़ गई हटिया तोड़ने की, तो अब शिवराज जी की गलती कौन है? भाई आप जाओ, 2 पैसे कमाओ, शिवराज जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। 400 पार का जो नारा मोदी जी दे रही पार्टी, जो 400 पार का नारा दे रही, आपको लगता है ये नारा कितना सार्थक? 400 पार का नारा 100% तक सही है। मैं 2 विधानसभा कवर कर रहा हूँ, हुजूर विधानसभा, हुजूर भोपाल में हुजूर विधानसभा, रामेश्वर शर्मा जी वहाँ से विधायक हैं, श्री रामेश्वर शर्मा जी की क्षेत्र से, मैं खुद अनुसूचित जाति मोर्चे से मंडल अध्यक्ष, और मैं समझ रहा हूँ आलोक शर्मा जी की जो सीट है, आलोक शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से निकलेंगे। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, अपने मंत्री विश्वास सारंग जी,
अपनी कृष्णा गौर जी, सब लोग तहे दिल से खूब मेहनत कर रहे हैं। सर्वे चल रहा है, वार्डो में सर्वे चल रहा है, बूथों पे सर्वे चल रहा है, हर बूथों की बैठक हो रही है। एक एक घर जाके माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी एक एक वोटर को समझा रहे हैं। पूरे कार्यकर्ता उनके साथ लगे हैं, पूरा मंडल उनके साथ लगा है। और हम तो ये चाहते हैं हमारे क्षेत्र के जो विधायक माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, ऐसे विधायक तो मतलब नसीब वाले हैं कि जिनको मिले। आप इसका मतलब है आप भोपाल के रहने वाले हैं? कहाँ से? भोपाल में? भोपाल में हुजूर विधानसभा से हूँ मैं, वार्ड 85। किस क्षेत्र से? एरिया का नाम? एरिया लिबर्टी कॉलोनी समरदा। समरदा से रहने वाले हैं आप? वोट वहीं डालेंगे आप अपने ना? जी हाँ, मैं वोट डालूंगा, वहीं डालूंगा। आलोक शर्मा एक्स मतलब पूर्व महापौर रह चुके हैं और लेकिन रिसेंटली दो बार वो विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं। आपको लगता है पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा लेके वो रिस्क लियो? उनके ऊपर भरोसा लिया है, उनके ऊपर रिस्क तो नहीं ली लेकिन भरोसा लिया है। लेकिन भरोसे के साथ साथ वो इस बार खड़े उतरेंगे क्योंकि उनके साथ सारे विधायक और सारे मंत्री सब कदम से कदम मिलाकर सब जुटे हैं। और इसके साथ हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान जो मोहन यादव जी है, मोहन यादव की नई नई योजनाएं और नई नई चीजें लेके आए हैं। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।